हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है खेमेंद्र और मैं आपको वेलकम करता हूँ वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल में, जो क्योंकि मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ आपके लिए राजस्थान जेई के लिए एक संकल्प बैच, जिसमें मैं कराने वाला हूँ काफी सारे प्रश्न जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं अगर आप राजस्थान जेई के एग्जामिनेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंध रखते हैं तो जल्दी से जल्दी यार इस सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सके और एक बहुत ही जबरदस्त माहौल हम यहाँ पे क्रिएट कर सके। माई नेम इज खेमेंद्र एंड आई एम वेलकमिंग इन दिस सेशन ऑफ वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल, एंड दिस इज अवर इनिशिएटिव फॉर योर फ्यूचर। कि यार आप अगर राजस्थान जेई एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हो तो हमारी तरफ से थोड़ा सा और एफर्ट है आपके लिए कि यार उसको एग्जामिनेशन को क्लियर करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। यार जल्दी जल्दी सी सेशन के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ यहाँ पे जुड़ सके। सभी लोग इन द चैट सेक्शन। जी बिल्कुल। सो नाउ आई कैन सी द चैट ऑल्सो, एंड आई होप कि यार आप सभी लोग फॉलो कर रहे होंगे इस चीज को। सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी सी आगे बढ़ते हैं और मेरे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करता हूँ कि क्या नाम है मेरा। कि मेरा नाम है खेमेंद्र, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। आई एम वर्किंग विद दिस प्लेटफॉर्म, इन दिस अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, फ्रॉम पास्ट आई थिंक एक साल हो चुका है मुझे। फ्रॉम पास्ट वन ईयर आई एम वर्किंग इन दिस प्लेटफॉर्म। उससे पहले आई वॉज वर्किंग इन द केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ जुड़ा हुआ था मैं एज अ TGTWE टीचर। एंड उससे पहले की बात करें तो आई वॉज डूइंग माई MTech फ्रॉम MNIT जयपुर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। करीबन दो से ज्यादा या फिर कह सकते हैं 3 साल हो चुके हैं एज अ मुझे पढ़ाते हुए, स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए, काफी सारी चीजें स्टूडेंट्स को बताई है फॉर देयर फ्यूचर, फॉर द एग्जामिनेशन किस तरीके से अप्रोच रखनी चाहिए, ये सारी चीजें करीब 3 साल से ऊपर हो गया मुझे स्टूडेंट्स से डिस्कस करते हुए। काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने डील किए हैं इन द गेट सेक्शन एज वेल एज द SSC सेक्शन। कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट्स, ये कुछ मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए SSC सेक्शन की, तो फिर उसमें एड ऑन कर दीजिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स और नेटवर्क थ्योरी। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने प्रोवाइड कराए हैं। मेरी प्रोफाइल जाकर आप जरूर देख सकते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप की जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। काफी ज्यादा वॉच मिनट, काफी ज्यादा फॉलोअर्स, काफी ज्यादा डेडिकेशन, ऑल दीज थिंग्स आर हेयर। और स्टूडेंट्स को बहुत फायदा मिल रहा है हमारे अप्रोच से और हमारी एफर्ट के साथ। तो आप भी अगर चाहते हैं तो जरूर जो चीजें हमने अवेलेबल कराई है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, तो उसको जरूर ग्रैब कर सकते हैं। आगे चलते हुए कुछ बेनिफिट्स बताता हूँ अबाउट द अनअकैडमी लर्निंग ऐप के प्लस सब्सक्रिप्शन के। जी नमस्ते, नमस्ते ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी लर्निंग ऐप के प्लस सब्सक्रिप्शन के कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ, ताकि आपको भी इन्फॉर्मेशन पता चलती रहे। लाइव क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं आफ्टर एवरी 3 क्लासेस इन ऑल द कोर्सेस, लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप जहां से भी ऑनलाइन अगर पढ़ना चाह रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें नहीं मिल पाती, क्योंकि यार आपको लगता है यार ये वीडियो तो मैं यहाँ से देख लूँ, ये वीडियो मैं यहाँ से देख लूँ, लेकिन पूरा कॉम्पैक्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही पूरा कॉम्पैक्ट आपको कोर्स वहां पे मिल जा रहा है। ये बहुत शानदार चीज है। तो लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्स आर अवेलेबल इन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इन द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो वो भी आप फायदा यूजफुलनेस है उसकी बहुत ज्यादा, और आप उसको यूज उठा सकते हैं। किस तरीके से ज्वाइन करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे अपने फोन में, उसको रजिस्टर करेंगे, फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना गोल सेलेक्ट करना। कैसे सर, क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है ये? क्योंकि यार अगर आप जेई लेवल को टारगेट कर रहे हो, अगर आप जेई लेवल को टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए SSC एग्जाम्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। और अगर आप टारगेट कर रहे हो गेट, ESC और अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके लिए गेट का सब्सक्रिप्शन ज्यादा लाभदायक रहेगा। गेट का सब्सक्रिप्शन ज्यादा लाभदायक रहेगा अगर आप हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो। तो सबसे पहले अपना गोल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे कितने महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, फिर उसके बाद यूज करेंगे मेरा कोड जो कि KHEM09, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है अभी। KHEM09 कोड से होगा क्या कि आपको अगर अपनी पढ़ाई के दौरान किसी भी हेल्प की आवश्यकता होगी तो मैं आपको गाइड करूंगा उसके लिए, और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको इस कोड के इस्तेमाल से, ठीक है ना दोस्तों। चलो तो ये सारी चीजें आप समझ चुके हैं, अब चलते हैं आगे और प्रश्न की तरफ के किस किस तरीके से हमें प्रश्नों को डील करना है। एक एक करके हम प्रश्न लेके आएंगे और मैं चाहूंगा आप सभी लोग यार आंसर देना इन द चैट सेक्शन, सभी लोग। ओके चलिए, तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ गया है ये, बिल्कुल
यस गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, तो सभी लोग आई होप के आंसर देंगे इन द चैट सेक्शन। ओके, काफी आसान प्रश्न है, बिल्कुल भी मुश्किल प्रश्न नहीं है, जल्दी से आंसर देंगे। पीआईवी रेटिंग ऑफ डायोड इज एक्सीडेड। अब देखो पीआईवी रेटिंग होती क्या है, पहले तो ये समझ लो, पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या मतलब है कहने का। देखो पीक मतलब सबसे ज्यादा, पीक मतलब ज्यादा, इनवर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, वोल्टेज मतलब आप जानते हैं वोल्टेज। सपोज करिए मेरे पास एक डायोड है इस तरीके से, पी यहाँ पर आता है, एन यहाँ पर आता है। अच्छा, पीक मतलब सबसे ज्यादा वोल्टेज जो इनवर्स में लगाई जा सके। इनवर्स मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव लगा दू, यही तो इनवर्स हुआ ना इस डायोड के केस के लिए, यही हुआ ना डायोड के केस के लिए। इनवर्स क्या हुआ कि यहाँ पॉजिटिव लगा दू और यहाँ पे नेगेटिव लगा दू। अब वो पीक वोल्टेज जो इनवर्स में लगाई जा सके, वो पीक वोल्टेज जो इनवर्स में लगाई जा सके, तो अगर वो पीक वोल्टेज कहलाई गई जो इनवर्स में लगाई जा सकती है, मैक्सिमम वैल्यू, वो कहलाई मेरी पीक इनवर्स वोल्टेज। अच्छा, उससे अगर मैं ज्यादा वोल्टेज कर दूंगा, सपोज करो ये पीक इनवर्स वोल्टेज 15 वोल्ट है, इसको मैंने 20 वोल्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये डायोड जो है ये कार्य करना बंद कर देगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है ना, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अगले सवाल की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या इस करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड इन द सीरीज आर एल सी, इन द सीरीज आर एल सी टू गेट क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ऑल ऑफ यू, अगर मैं क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहता हूं, तो क्या स्थिति रह सकती है सीरीज आरएलसी केस के लिए। क्यू क्यू इज व्हाट, क्या होता है बताओ, क्वालिटी फैक्टर। क्यू क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर। क्यू इज नथिंग बट यू कैन से ओमेगा एल बाय आर, या फिर आप कह सकते हैं 1 बाय ओमेगा आर सी। ये दोनों डेफिनेशन हम कह सकते हैं अबाउट द क्यू। अगर ओमेगा एल बाय आर है तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स एल बाय आर, कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अगर मेरे को क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए, क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए, मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 चाहिए, इसका मतलब एक्स एल शुड बी ग्रेटर देन वॉट आर। हो गया कि नहीं हो गया, क्या हुआ करेक्ट आंसर, एक्सएल शुड बी ग्रेटर देन आर, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो बिल्कुल फॉर्मूले से उठाकर हमने इस कॉन्सेप्ट को समझाया और इस आंसर को सॉल्व किया है, तो मुझे लगता है कि यार सभी लोग फॉलो कर पा रहे होंगे, और अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो सभी लोग शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, सभी के सभी। जी गाइस, एक्सएल इज ग्रेटर देन आर, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक्ससी डिवाइड बाय आर भी कह सकते हैं इसको, एक्स सी डॉट आर, ठीक है, ये भी कह सकते हैं, तो यहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टमेटिक एरर, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्टमेटिक एरर। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में कौन से एरर्स हमारे आते हैं, ठीक है। अब सिस्टमेटिक एरर की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा जो सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में आते हैं हमारे, वो होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर आर द सिस्टमेटिक एरर्स। अच्छा, कई बार पूछा जाता है ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर को यहाँ पे नोट कर लो ह्यूमन एरर, जो
अगर सपोज करिए आपसे आप अगर कोई इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग ले रहे हैं, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो वो कहलाएगी ग्रॉस एरर, ग्रॉस एरर। अब एक होते हैं रैंडम एरर, जो रैंडमली हो जाते हैं, तो उनके लिए अलग हमारा सिचुएशन है। एंड एक होते प्रोबेबल एरर। देखो प्रोबेबल एरर का एक क्वेश्चन आया था अभी कुछ दिन पहले, एक एग्जामिनेशन हुआ था एसएससी जेई वाला, जो पिछला वाला हुआ था, तो वहां पर एक प्रोबेबल एरर का क्वेश्चन आया था। तो सपोज करिए आपको स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ करंट आपको गिवन है आई नॉट, और आपसे पूछा गया कि यार सर तुम मेरे को प्रोबेबल एरर निकालो। तो प्रोबेबल एरर विल बी इक्वल टू 0.6725.I0। इस तरीके से एक फिक्स्ड वैल्यू होती है ये प्रोबेबल एरर की, ये डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है, डिफाइंड वैल्यू है। देयर इज नो स्पेसिफिक मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में ब्लंडर्स की, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में देयर इज नो स्पेसिफिक मीनिंग, ठीक है, जो हम एरर्स की बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे। नेक्स्ट, ये क्लियर है ना जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे बताए सारी चीजें, आई बिलीव ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। देखो यार जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर है वो सभी लोग ना आंसर दीजिए, और आंसर ऐसे दीजिएगा कि आप जब सिर्फ बी या सी या डी ना लिखे, आप लिखे 4, A, B, C जो भी है 4, फिर उसके आगे, क्योंकि उसमें पता चलेगा कि आप कौन से प्रश्न के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ऊपर नीचे हो जाए फिर स्थिति समझ में नहीं आती। तो कोशिश करेंगे ज्यादा एक्यूरेट होने की, ठीक है। देखते हैं क्या प्रश्न का आंसर हो सकता है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ। Resistance of the conductor does not depends on the material. Resistance of the conductor does not depends on the temperature. Resistance of the conductor does not depends on the pressure. अब देखो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। Resistance बराबर rho L by A, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो क्या ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? जी हाँ, लेंथ पे तो डिपेंड कर रहा है। तो लेंथ पे तो वही डिपेंड करेगा ही करेगा मेरा रेजिस्टेंस। अब ये जो रो है ये क्या है? कंडक्टिव रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसी भी डिवाइस की रेजिस्टिविटी उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। जी हाँ सर, मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक और फॉर्मूला होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आरटी। ये नॉर्मल केस की बात कर रहा हूं मैं, आर नॉट 1+ अल्फा डेल्टा टी, ये नॉर्मल केस के लिए हम बात करते हैं। तो हाँ सर, ये तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। अच्छा तो सर किस पे डिपेंड नहीं करेगा? प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा। सो इन सारे स्टेटमेंट से मुझे पता चला कि प्रेशर वाला जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, और यही मेरा करेक्ट आंसर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। बहुत ही अच्छे, अगला सवाल देखते हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सोर्स इम्पीडेंस, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सोर्स इम्पीडेंस फॉर द फॉर ट्रांसमिटिंग द मैक्सिमम पावर। अब मैक्सिमम पावर के लिए मैंने कई बार आपको चीजें बताई है, ठीक है, कई बार मैंने आपको चीजें बताई है। आपको बताना है जेड एस बराबर जेड एल का कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट कर दीजिए उसको। अगर कॉन्जुगेट कर देंगे तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जेड एल की वैल्यू 7+J3, इसका अगर मैंने कॉन्जुगेट कर दिया आंसर क्या हो गया, 7-J3। बी इज द करेक्ट आंसर हियर, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। फैक्ट रिसर्च, नेहा त्रिपाठी, दीपायन, दीक्षा एंड शुभम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट,
ये थोड़ा सा स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखो इस बार एसएससी जेई में इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन में भी इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, अगर किसी ने सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया था इस बार तो उनको पता चल जाएगा। अब देखो क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रोडायनामीटर इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज वॉट मीटर और वीएआर मीटर, पावर फैक्टर मीटर और फ्रीक्वेंसी मीटर, या फिर ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए, वन एंड टू ओनली, वन एंड थ्री ओनली, टू एंड थ्री ओनली, या फिर वन टू एंड थ्री? सोच के बताएंगे क्या रहेगा करेक्ट आंसर। ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑल थ्री आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। वॉट मीटर, वीएआर मीटर, यस, फ्रीक्वेंसी मीटर की तरह भी यूज किया जा सकता है इलेक्ट्रोडायनामीटर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट भी तो वो होता ही होता है। ठीक है, ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की मैं आपको बात बता दूं कि ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि सपोज करिए कि आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है ये। अब इस इंस्ट्रूमेंट से आपने एसी में कैलकुलेशन करी, अल्टरनेटिंग करंट में कैलकुलेशन करी, अब सेम इंस्ट्रूमेंट को उठा के विदाउट एनी कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन मतलब विदाउट एनी चेंजेस इन इट्स वैल्यू, मैंने उठा के डीसी में ले गया और डीसी में मेजरमेंट करने लग गया और वो सेम मेजरमेंट दे रहा है, मतलब बिल्कुल सही मेजर एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा है, तो वो कहलाता है ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट। क्या कहलाता है? ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट कहलाता है वो, इस तरीके से। ठीक है, तो ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट का मीनिंग होता है कि एसी में चाहे हो चाहे डीसी में हो, विदाउट कैलिब्रेशन अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर पाए तो वो कहलाता है मेरा ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, जो कि मेरा होता है ये इलेक्ट्रोडायनामीटर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। The generator efficiency of the shunt generator will be maximum when its variable loss is equal to. When its variable losses is equal to what? So at maximum efficiency condition, अगर आप बात करें shunt generator की, या फिर क्या बात कह सकते हैं अगर मैं और किसी मशीन की बात करूं, ट्रांसफार्मर की बात करूं, तो सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी लग जाएगा कि अगर आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी किस केस के लिए हो कि आपके वेरिएबल लॉसेस जो है जो आपके वो सारे के सारे इक्वल किसके हो जाए, कांस्टेंट लॉसेस के। सो करेक्ट आंसर रहेगा ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए इज रहेगा सही। ठीक है, आयरन लॉसेस नहीं, कॉन्स्टेंट लॉसेस हम एंटायरली कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टर्म यूज करी गई है, टर्म वेरिएबल यूज करी गई है, इसलिए हमको कांस्टेंट लॉस बोलना पड़ेगा ना। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन ए टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट। नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करिए जल्दी सी, बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस इज टर्मिनल बी, आपको निकालना है आर ए बी। अब जब आप नॉर्टन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो वोल्टेज सोर्स होता है आप उसको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, और जो करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स मुझे दिखाई दे रहा है तो मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, सपोज करो यहाँ पर ऐसे। अब ये क्या हुआ, 4+2, ये रह गया 6, 6 और 6 पैरेलल में है तो यहाँ पर कितना आ गया, 3, 3+4+2, क्या आंसर आया करेक्ट, 4+2 हो गया 6, प्लस 3 हो गया, करेक्ट आंसर आ गया 9 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे एक मित्र का डाउट है कि सर ये बताइए, ये आयरन लॉस और कांस्टेंट लॉस, ये स्ट्रे लॉस, ये क्या भाई, ये क्या फंता है यार, कुछ तो इसमें चक्कर होगा। अब देखो यार, हर एक मशीन के अंदर बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है। आर्मेचर भी होगा, स्लॉट्स भी होगा, ये फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस भी होगा। तो उस मशीन के आयरन लॉसेस तो होते ही होते हैं, लेकिन आप खुद सोच के देखो, क्या आयरन लॉस के अलावा मेरी मशीन के अंदर ऐसे बहुत सारी जगह होगी जहां पर लॉसेस होने वाले होंगे, और जो कांस्टेंट लॉस होगा ये थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा, अगर प्रैक्टिकली बात करूँ थोड़ा सा ज्यादा होगा आयरन लॉसेस। ठीक है, तो वैसे हम इनको इक्वल ही कंसिडर करते हैं मैक्सिमम केसेस के लिए, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली वेरिएबल लॉस का नाम पूछा गया है तब हमने कॉन्स्टेंट लॉस दिया, लेकिन मैक्सिमम केसेस के लिए हम इन दोनों को बराबर ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। अब आप बोलोगे सर ये वेरिएबल लॉस क्या है। अब यार अगर आप ध्यान से देखो किसी किसी भी सिस्टम को, तो वेरिएबल लॉस क्या होते हैं, वेरिएबल लॉस होंगे आई स्क्वायर आर लॉसेस, जितना भी आई स्क्वायर आर लॉसेस हुआ, प्लस स्ट्रे लॉसेस। तो स्ट्रे लॉसेस भी तो ऑप्शन में आ गया ना। ठीक है, तो वेरिएबल लॉस होता है सिर्फ आई स्क्वायर आर लॉस नहीं होगा, वो होता है आई स्क्वायर आर प्लस स्ट्रे लॉसेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इस चीज को नोट कर लेंगे कहीं पे। अच्छा अब एक और चीज बताता हूँ, व्हाट इज विंडेज लॉस। किसी ने सोचा व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस विंडेज लॉस? आपको मैं एक बार जल्दी सी बता देता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है ना, अब आपने यार आर्मेचर के स्लॉट्स देखे होंगे इस तरीके से, ये स्लॉट्स देखे हैं ना इस तरीके से। सपोज करिए कि ये मेरे पास स्लॉट्स है, अब इस स्लॉट के अंदर ये कंडक्टर है सपोज करिए। ठीक है, एक स्लॉट हो गया और उस स्लॉट के अंदर ये कंडक्टर हो गया। अब इस कंडक्टर के अलावा यहाँ पर स्पेस होगी, ये मैं दूसरे कलर से फिल कर रहा हूँ उस स्पेस को, होगी ना। अब ये जो दूसरे कलर से मैंने स्पेस फिल करी है, यहाँ पे क्या है बताना जरा। और मैं कह रहा हूँ कि ये यार ऐसे मूव कर रहा है, ये एरो की डायरेक्शन में ये मूव करने वाला है, ये मेरा जो आर्मेचर है। अब ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर क्या होगी भैया, इस स्पेस के अंदर होगी विंड, होगी या नहीं होगी, होगी ना। विंड, विंड मतलब हवा होगी। अब उस विंड की वजह से मेरी रोटर की, मेरे जो ये जो मूविंग मूविंग आर्मेचर है, इसके अंदर एक ऑपोजिशन फ्लो होगा, विंड की वजह से ऑपोजिशन। एंड उस ऑपोजिशन की वजह से जो लॉस हुआ है उसको कहा गया है क्या, विंडेज लॉस। क्या कहा गया, विंडेज लॉस। बात समझ में आई। अच्छा एक और सवाल आप पूछ रहे कि यार फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस वेरिएबल होंगे कि कॉन्स्टेंट, आप खुद सोच के बताओ। विंडेज लॉस, अब विंडेज लॉस समझ गए आप, अब मुझे बताओ कि आइए मेरी मशीन के लिए कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है क्या? नहीं, जल्दी सी बताइए। देखो विंडेज लॉस बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता कि यार विंडेज लॉस क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं विंड का कॉन्सेप्ट, तो आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। विंडेज लॉस, लॉसेस ड्यू टू ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एयर, लॉसेस ड्यू टू ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एयर। ठीक है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होता है, एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला हो गया, इधर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द टोटल पावर डिलीवर्ड बाय इतने इन इतना वॉट द वोल्टेज सोर्स इन द कवर, इतना 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 इतना। तो यार इसको ना सॉल्व करने की आप कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर दिस वन एंड दिस टू इज इन कनेक्टेड इन पैरेलल, एंड एंड ये जो एक ब्रिज बना रहा है, जो कि एक बैलेंस ब्रिज बना रहा है, क्या बना रहा है,
बैलेंस ब्रिज बना रहा है। अब जब ये बैलेंस ब्रिज बना लेगा तो और मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा तो ये क्या बन जाएगा, जल्दी से देखते हैं। ठीक है, बैलेंस ब्रिज के केस में देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग। ये जो एंटायर मेरे 3 और 3 ओम के रेजिस्टेंस हैं, इनका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो ये 3 और ये 3 मेरा किस में हो गया, सीरीज में हो गया। ये और ये मेरा सीरीज में हो गया। इसका मतलब 3 और 3 6 3 और 3 6, और वो 6 और 6 पैरेलल में रहेगा। अब जो 6 और 6 पैरेलल में रहेगा तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, ये गया मेरा 15। रिजल्टेंट आ गया, एक रेजिस्टेंस बचा सिर्फ 3 ओम, ये हो गया 15। पावर डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स क्या कितना कहेंगे, 15 का स्क्वायर 15 स्क्वायर बाय 3। ये करेक्ट आंसर होगा, क्या रहेगा, 75 इज द करेक्ट आंसर, डी। ठीक है, हियर नेक्स्ट। Which of the following is correct definition of phasor? Which of the following is correct definition of phasor? नहीं, स्टार डेल्टा अगर कन्वर्जन करोगे तो फंस जाओगे वहां पे। पता है क्यों? क्योंकि देखो यार, जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न आपके सामने आ जाए तो पहली चीज आपको क्या देखनी है, मैं अप्रोच बता दे रहा हूं कि आप लोगों को इस तरीके के प्रश्नों में पहली चीज क्या देखनी है, दूसरी चीज क्या देखनी है। अब जरा ध्यान से सुनना, पहली चीज क्या देखनी है कि बैलेंस ब्रिज बन रहा है कि नहीं। दूसरी चीज क्या देखनी है, स्टार डेल्टा बन रहा है कि नहीं। ये मैं सीक्वेंस बता रहा हूं जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखो उससे क्या पता चलता है कि आपका जो प्रश्न कितने आसान तरीके से हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि स्टार डेल्टा से नहीं होगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपका आंसर जल्दी निकल जाए। उसके हिसाब से ये हमारी अप्रोच है कि पहले बैलेंस कंडीशन चेक करो कि हो पा रही है कि नहीं, फिर उसके बाद अगर नहीं होती तो फिर स्टार डेल्टा पे जाओ, नहीं तो स्टार डेल्टा में जाकर आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार डेल्टा से भी हो जाएगा, कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट, ये प्रश्न देख रहे थे हम। द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द फेज एंड द बैलेंस्ड थ्री फेज लोड, सीधे करेक्ट आंसर देखते हैं। द लाइन विच रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड एंड फेज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, सी सी इज द करेक्ट आंसर, मैग्नीट्यूड एंड फेस। अच्छा, ये होता है मैग्नीट्यूड एंड फेस, ठीक है? अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये इस तरीके से बताया जाएगा, समझ में आया डिफरेंस? द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है? ये होता है मैग्नीट्यूड एंड फेज, ये होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फेजर कौन सा हुआ, ऊपर वाला हुआ नीचे वाला हुआ, ठीक है, क्लियर है? ये प्रॉब्लम, बहुत अच्छे, अगले सवाल की ओर चलते हैं। Which factor influence the critical density of superconductor? Which factor influence the critical density of superconductor?
वेरी गुड, बोथ वन एंड टू इज द करेक्ट आंसर. मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और टेम्परेचर, ये दोनों चीजें में डिफाइन करती है सुपर कंडक्टिविटी के लिए. अगर हमने इनमें वेरिएशन ला दी है तो सुपर कंडक्टिविटी की कंडीशन भी चेंज हो सकती है मेटीरियल साइंस. ओके, नेक्स्ट. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 पोल. नंबर ऑफ पोल दे रखे है 10. एसी जनरेटर विच हैज इतना आरपीएम. ओके, तो आप जानते हैं कि एन एस बराबर 120 एफ फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय पी. एफ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो एफ की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे तो एन एस डॉट पी डिवाइडेड बाय 120. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन एस इज 1800 डॉट. पोल कितने हैं 10 डिवाइडेड बाय 120. क्लियर है? सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या रहेगा करेक्ट आंसर इसका. 1800 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 10. तो कितना आंसर आया मेरे पास, 150 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 150 इज द करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए. ठीक है, अच्छा. तो आने वाले कुछ दिनों में मैं मेरी बाकी क्लासेस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं. मेरी क्लासेस अभी चल रही है दो यूट्यूब चैनल्स पे. एक तो ये चैनल जिसपे आप अभी हमारी क्लास देख रहे हैं, जो कि है वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल, और एक चल रही है अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल पे. तो अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल पे भी आप आकर मेरी क्लास शाम को 6 बजे उसका फायदा उठा सकते हैं जरूर. ठीक है, क्लियर. और अभी एक दो दिन में मैं शुरू करने वाला हूँ मेरी क्लासेस कहाँ पर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, फ्री प्लेटफॉर्म पे. तो फ्री प्लेटफॉर्म पे भी मेरी क्लासेस शुरू होने वाली है एक दो दिन में, एंड देखते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चीजों को अवेलेबल कराएंगे वहां पर भी. एंड वहां पर टाइम भी मिलता है, एग्जैक्टली फिक्स टाइम मिलता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स का, और फिर आपकी रैंकिंग भी आपको पता चल सकती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे. तो वो भी आप जरूर जरूर आ सकते हैं उस पर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Of what material the swamping resistance is made up? Swamping resistance. पहले तो ये समझने की कोशिश करो कि swamping resistance का अर्थ क्या होता है. अच्छा, swamping resistance से एक चीज याद आ गई. I think HAL का examination अभी होने वाला है, और HAL के exam में last time ये प्रश्न पूछा गया था कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को हम क्यों यूज करते हैं. काफी फेमस क्वेश्चन है ये, तो ये पिछली बार भी पूछा गया था, तो आप नोट डाउन कर लेंगे. टेम्परेचर वेरिएशन के लिए हम यूज करते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को. टेम्परेचर वेरिएशन के लिए हम यूज करते हैं स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस को. तो अब ये होता क्या है, किस मटेरियल का बना होता है, मैं ये जानना चाहता हूं. करेक्ट है, मैंगनीन और कॉपर. मैंगनीन और कॉपर, मैंगनीन एंड कॉपर इज द करेक्ट आंसर. जी हाँ, प्रभात प्लस पे हमारी क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज सीरीज शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में. तो अभी उसकी एग्जैक्ट डेट्स मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, उसको जरूर उसको फाइनलाइज करके आज ही उसको कल तक हम आपको उसको इन्फॉर्म कर देंगे आपको. ठीक है ना. अच्छा यार, ये जो सारे जो इससे क्या पता चलता है कि ये जो हमारी सीरीज जो चल रही है ये आपके HAL पेपर में काम आ जाएगी, आपके HPCL में काम आ जाएगी, आपके राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के पेपर में काम आ जाएगी. अच्छा, ये RVUNL कर रहे हो, इसका फुल फॉर्म पता था तुमको, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड. ये सिर्फ जनरेशन वाला पेपर करा रहे हैं ना, तो उत्पादन मतलब क्या होता है, जनरेशन. ठीक है, अब RVPN का मतलब भी नहीं पता होगा तुम लोगों को, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम. एक होता प्रसारण, एक होता उत्पादन. ठीक है, तो डिफरेंस है इन दोनों में, मिक्स मत कर जाइएगा. ठीक है ना, तो जिस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए मेरे हिसाब से सबको.
चल नेक्स्ट। व्हेन द एसी पावर इज अप्लाइड, व्हेन एन एसी पावर इज अप्लाइड टू द सर्किट हैविंग द रिएक्टिव लोड, देन द लाइन वोल्टेज इज। अगर और किसी स्टूडेंट को डाउट है भाई फुल फॉर्म में, तो फिर क्योंकि कई स्टूडेंट्स ने बोल दिया था मुझे इसका फुल फॉर्म नहीं पता उनको, मैंने पूछ लिया था एक बार, तो आप पूछ सकते हैं, पता होना चाहिए ये सब बेसिक बेसिक चीजें। व्हेन द एसी पावर इज अप्लाइड टू द सर्किट हैविंग द रिएक्टिव लोड देन द वोल्टेज इज। करेक्ट आंसर इज जी हाँ ए, 90 डिग्री आउट ऑफ फेस। अब शुभम का एक सवाल है, सर मैंने अनअकैडमी एसएससी का प्लस एनरोल किया है तो मैं क्या एसएससी जेई क्लासेस वॉच कर सकता हूँ? हाँ, एक साल से मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है, कोर्सेज देख लीजिएगा, नेटवर्क थ्योरी मैंने प्रोवाइड किया है, मेजरमेंट मैंने प्रोवाइड किया है, उसके अलावा आप राहुल सर की क्लासेस देख सकते हैं पावर सिस्टम मशीन्स के लिए, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने प्रोवाइड किया है, तो एंटायर एसएससी का टेक्निकल पोर्शन आप कर सकते हैं फ्रॉम दिस अनअकैडमी एसएससी सेक्शन, ठीक है। शुभम, आई होप कि आपको बड़ा समझ गए होंगे चीज को, अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, इन अ स्ट्रेट वायर द इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। द करंट विच इज गोइंग टू बी इंड्यूस्ड डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, बहुत ही आसान है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है। देखो हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यार, मेरे ना दो सेशन चल रहे हैं अभी, अभी तीन सेशन हो जाने वाले हैं, मैं कोई भी सेशन मतलब ऐसे नहीं होता कि यार यही एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को बनाया गया है, ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि यार हर एक स्टूडेंट का फायदा हो, इसीलिए हम लोग बेस्ट से बेस्ट चीज आपके लिए लेके। तो यार अगर जैसे ये सेशन है, ये सेशन आपके लिए HAL एग्जामिनेशन में भी फायदेमंद रहेगा, अगर आप राजस्थान JEE दे रहे हो उसमें भी फायदेमंद रहेगा, तो इस यही फायदा है इस चीज का कि हमारे जो एफर्ट्स एक बार उसको देखो, देखो यार पहले हमने क्या करा है और फिर कितना उसमें से एग्जाम में आया है, ये सारी चीज देखो बस, आगे भी यही होने वाला है, ठीक है, उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट, n resistor each of resistance r when connected in series offer the equivalent resistance of 50 ohms, it means there are n resistor n plus n, to n resistance hai mere paas, to maine bol diya n r will be equal to kitna 50 when connected in parallel, to effective resistance kitna ho gaya 2 ohms, connected in parallel matlab r by n kitna reh gaya 2 ohms। अब आपको क्या क्या बोल रहे हैं कि सर R की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, कर सकते हैं बिल्कुल, बताओ कैसे करेंगे। यहाँ पर आप लोग N की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर अगर N की वैल्यू पुट कर देंगे तो R बराबर कितना आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ 100, R बराबर 10 इज द करेक्ट आंसर। आया प्रश्न समझ में सभी लोग? अब आगे से क्या करेंगे, थोड़ा सा समय दे दिया करूंगा मैं, जिससे आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ सके और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है।
खैर क्योंकि इतने ज्यादा बड़े प्रश्न है नहीं, तो फिर मुझे लगता है ज्यादा जल्दी जल्दी चलना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आगे देखते हैं, तो इसमें समय देंगे हम आपको अच्छे से, तो अच्छे से टाइम ले लीजिए और फिर आंसर देंगे मुझे। वॉट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू रजिस्टर आर थ्री, थ्रू रजिस्टर आर थ्री इफ द सोर्स ऑफ 3 वोल्ट विद द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम इज कनेक्टेड टू टर्मिनल पी क्यू, इज कनेक्टेड टर्मिनल पी विथ पॉजिटिव पी टर्मिनल। इसका मतलब यार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लग गया और ये एक सोर्स लग गया। कितना है सोर्स? 3 वोल्ट है और ये है 3 ओम। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर्स थ्रू आर थ्री। तो यहां से यहाँ पे जो करंट जाएगा उस करंट का मान बता दीजिए मुझे, बताओ क्या हो सकता है। तो काफी अलग अलग मेथड्स है इसको सॉल्व करने के। एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले आप ना इस वाले पोर्शन को सॉल्व कर लीजिए, या तो देखो एक तरीका यह है आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दीजिए, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा दीजिए और सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार एक इस सोर्स से कैलकुलेट करें, एक बार इस सोर्स से कैलकुलेट करें, तो ये दोनों तरीके आपके पास हैं। और कोई दूसरा मेथड है सर? जी हाँ, दूसरा मेथड भी है। एक बार इसका ना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से कर देंगे आप, तो यहाँ पर ये वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस 3 ओम रह जाएगा। वोल्टेज कितना रह जाएगा? 3 6 18 वोल्ट और ये 3 ओम रेजिस्टेंस रह जाएगा इधर। तो जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, 3 18, ये बना 3, ये बना 3 और ये बनी वोल्टेज ऐसे। आपको क्या बोला गया? आप भैया एक वोल्टेज निकाल दीजिए जो कि यहां पर है, कौन सी? नोडल लगा के। इस तरीके से बन गया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये V1 निकाल सकते हैं, जब आप V1 निकाल सकते हैं, जब आप V1 निकाल सकते हैं तो V1 by 3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही आपका एक फाइनल वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा, वही आपका फाइनल वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते सभी लोग? करेक्ट आंसर आएगा 1.6। सर कैसे आया वापस से बता दीजिए जरा, V1 की इक्वेशन सॉल्व कीजिए। V1 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 6 प्लस V1 by 3 plus V1 minus 3 by 3 is equal to 0, is equal to 0. Solve करेंगे, V1 minus 18 plus 2V1 plus 2V1 minus 6 बराबर 0. तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पर आ गया और यहाँ पे आ गया 24. 24 डिवाइडेड बाय 5, तो 4.8 आया है। यहाँ पे V1 की वैल्यू आई है 4.8। अगर मैं यहां से यहाँ पे करंट निकालना चाहूँ, I का करंट वैल्यू आ जाएगी 4.8 डिवाइडेड बाय 3। 4.8 डिवाइड बाय 3 होता है मेरा 1.6 इज द करेक्ट आंसर। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, 1.6 आया ना। बहुत अच्छा। इन द बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द बेस करंट IB इज अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ एमिटर करंट। अब मैंने कल भी शायद बताया था कि एमिटर करंट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद कलेक्टर करंट होगा, उसके बाद बेस करंट होगा। ये चीजें किस पे डिपेंड करती है? डोपिंग पे डिपेंड करती है।
सो डोपिंग ऑफ एमिटर इज हाईएस्ट एंड उससे कम होगी कलेक्टर की, सबसे कम होगी बेस की. सो करेक्ट आंसर ये रहने वाला है 5% ऑफ दिस एमिटर करंट. ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा 5% रहेगा, क्योंकि ये जो रहता है बी, इसमें डोपिंग लेवल बहुत ही ज्यादा मिनिमम होता है और इसका विड्थ भी बहुत कम होता है. डोपिंग लेवल बहुत ही ज्यादा मिनिमम होगा और विड्थ भी बहुत ही ज्यादा कम होगा. ठीक है, क्योंकि एरिया भी सबसे ज्यादा कम इसका ही होता है. क्लियर, बहुत अच्छे. नेक्स्ट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम डीसी मोटर इज, ये तो खैर बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी ने इसके बारे में देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो आंसर बताएंगे मुझे. कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट फ्रॉम द डीसी मोटर, करेक्ट आंसर इज ईबी बराबर वी बाय टू. ईबी बराबर वी बाय टू इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, बहुत ही अच्छा. नेक्स्ट, इन द लैप वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग की अगर बात की जाए, द नंबर ऑफ ब्रशेस, नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज व्हाट. अगर मैं लैप वाइंडिंग की बात करूं तो नंबर ऑफ ब्रशेस क्या हो जाएंगे, इज ऑलवेज व्हाट, सेम एज नंबर ऑफ पोल्स, सेम एज नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ ब्रशेस इज ऑलवेज सेम एज नंबर ऑफ पोल्स. अच्छा, यहां पर एक सवाल बनता है कि जो ब्रशेस होते हैं, ये सवाल अभी पूछा भी गया था शायद कुछ दिनों पहले, ये कौन से मटेरियल के बनते हैं, कौन से मटेरियल के बनते हैं, तो मैं बता दूं आपको, ये बनते हैं कार्बन मटेरियल के, क्योंकि कार्बन के अंदर होती है सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी. कार्बन के अंदर होती है सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी, इसी वजह से ये कार्बन मटेरियल के बनाए जाते हैं. ठीक है गाइस, सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन के अंदर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेकिंग इज नॉट सूटेबल फॉर द मोटर, इनमें से कौन सी ब्रेकिंग सूटेबल नहीं है मेरी मोटर के लिए. बचपन में साइकिल तो सबने चलाई होगी. जी बिल्कुल, बचपन में सबने साइकिल चलाई होगी, और जब आप सबने साइकिल चलाई है तो साइकिल को रोकने के लिए क्या करते थे, जब पूछा गया इज नॉट सूटेबल, ठीक है, नॉट सूटेबल पूछा गया, आंसर देने से पहले एक बार चेक कर लीजिए कि नॉट सूटेबल पूछा गया. जब बचपन में साइकिल को रोकना होता था तो क्या आप ब्रेक लगाते थे, या फिर पैरों को जमीन पे लगा के विद द फ्रिक्शन आप साइकिल को स्टॉप करते थे. अगर आप ऐसा करते थे तो हो सकता है आप बहुत ज्यादा एडवेंचरस होंगे, लेकिन वो सही नहीं है. ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन ब्रेकिंग है ये यूज में नहीं ली जाती मोटर के लिए. आप किसी मोटर को पकड़ते नहीं है फ्रिक्शन की हेल्प से कि भैया उसको रोक दो, ठीक है, और ये गलत है. ठीक है ना, तो डी फ्रिक्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर. नेक्स्ट, अरे वेरी गुड, टाइम भी आ गया यार.
द टॉर्क वर्सेस आईए ग्राफ इन द डीसी सीरीज मोटर इज एन स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट. अच्छा किसकी बात चल रही है, डीसी सीरीज मोटर की बात चल रही है. अरे रे देखो मैं आपको चीज समझाता हूँ, इसमें प्लगिंग मेथड के बारे में बात बताता हूँ, ठीक है. फैक्ट रिसर्च ने एक सवाल पूछा है कि यार फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ तो क्या करें. देखो यार दो तीन चीजें होती है आपको जो समझने की जरूरत होती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन. फिर वो वर्ड्स नहीं पूछेगा, ठीक है, नॉट सुटेबल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये तीनों ही सुटेबल है, लेकिन तीनों की एप्लीकेशन अलग अलग है, ठीक है. अब कोई सिस्टम ऐसा होता है कि यार जो इतना हैवी होगा उसमें प्लगिंग हम लगा ही नहीं सकते, ठीक है. जैसे सपोज करिए आप ट्रैक्शन सिस्टम की बात करें, रेलवे सिस्टम की बात करें, जहां पर अगर आपने प्लगिंग लगा दिया तो इतना जो मूव हैवी मास अगर मूव हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह उसको सडनली रोक दोगे, सडनली रोकने के लिए आपने प्लगिंग लगाया तो फिर वो तो इम्बेलेंस हो जाएगा ना ट्रेन. तो ट्रेन के केस के लिए प्लगिंग इज नॉट यूजफुल, लेकिन प्लगिंग इज यूजफुल अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स की बात करें तो, जो आपकी महंगी महंगी कार्स होती है तो वहां पे प्लगिंग यूज करी जा रही है. तो अब बात करते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग की. डायनेमिक ब्रेकिंग में हो क्या जाता है कि हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है ड्यू टू रेजिस्टिव एलिमेंट. जो एनर्जी होती है व्हील की उसको हम ना एक रियोस्टेट के थ्रू पास ऑन कर देते हैं, उसमें से हीट प्रोड्यूस होने लग जाती है. तो इसके कहीं ना कहीं नुकसान है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन भी अवेलेबल, ठीक है. तो इस तरीके से आप समझेंगे इस चीज को. अगला सवाल बताएंगे. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन आप ये चीज कर सकते हैं. ठीक, टॉर्क वर्सेस आईए. अब अगर मैं बात करूं डीसी सीरीज मोटर की तो फिर किस तरीके से टॉर्क एंड आईए का रिलेशन होता है. पहले होगा पैराबोला और आफ्टर सैचुरेशन हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो ये होता है बिफोर सैचुरेशन. ये होता है इधर आफ्टर सैचुरेशन. सो आफ्टर सैचुरेशन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए, एंड बिफोर सैचुरेशन टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईए का स्क्वायर. नोट डाउन कर लेंगे. क्लियर सभी लोग, ठीक है. अगले सवाल की ओर चलते हैं. तो डी इज द करेक्ट आंसर इसके लिए, द पैराबोला अप टू द फुल लोड एंड स्ट्रेट लाइन आफ्टर सैचुरेशन. ठीक है, डी करेक्ट हो गया ना. चलिए नेक्स्ट. बहुत आसान सवाल है, जल्दी सी बता देंगे. ईए बराबर वी माइनस आईए. अरे आपको वैल्यू गिवन है किसकी, V की वैल्यू गिवन है, EMF की वैल्यू गिवन है, तो IA डॉट RA बराबर 150 माइनस 142 कितना हो गया, 8 हो गया. सो IA बराबर 8 डिवाइडेड बाय 0.4. आई थिंक द करेक्ट आंसर जो आपका बन रहा है आर्मेचर करंट का बन रहा है 20 एम्पियर्स बन रहा है ना. बहुत अच्छे, आगे चलते हुए
तो ये इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझाएंगे और चीजों को ग्रैब करेंगे। इफ द रेटेड स्पीड ऑफ द गिवन डीसी शंट मोटर इज 1050 आरपीएम टू रन द मशीन एट 120 आरपीएम द फॉलोइंग स्पीड कंट्रोल स्कीम टू बी यूज्ड द फॉलोइंग स्पीड कंट्रोल स्कीम टू बी यूज्ड अब दो तरीके की आपकी स्कीम्स ज्यादा फेमस है जो कि बिलो और अबव द रेटेड स्पीड वर्क करती है। एक होती है फील्ड कंट्रोल, एक होती है आर्मेचर कंट्रोल। एक होती है फील्ड कंट्रोल और एक होती है आर्मेचर कंट्रोल। तो यार रेटेड क्या हो गई, 1050 तो रेटेड हो गई। अब आप लोग, जी बिल्कुल, सभी लोग जानते हैं एक बहुत ही बड़े इंडिया के सबसे बड़े महानायक कौन है, अमिताभ बच्चन तो सब जानते ही है ना, नाम तो सुना ही होगा, AP। मैंने सिर्फ इतना सा लिख दिया, अमिताभ बच्चन नाम लिख दिया। अब इस वर्ड से हम लोग एक चीज डिराइव करने वाले हैं कि क्या भैया मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ और एक कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा हूँ, आर्मेचर कंट्रोल। अगर वो आर्मेचर कंट्रोल है तो वो बिलो बेस स्पीड होगा, अगर वो फील्ड कंट्रोल है तो आर्मेचर बिलो था तो फील्ड क्या होगा, अबव बेस स्पीड। अब यहां पर बताओ मुझे, 1050 आपकी बेस स्पीड है, मतलब रेटेड स्पीड है, अब आपकी मशीन कितने पे चल रही है, 1200 पे चल रही है, तो वो तो अबव बेस स्पीड हो गया। अबव बेस स्पीड मतलब फील्ड कंट्रोल हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर? आर्मेचर कंट्रोल बिलो बेस स्पीड, फील्ड कंट्रोल अबव बेस स्पीड, अमिताभ बच्चन। क्लियर है ऑल ऑफ यू इन द चैट सेक्शन? तो अगर इस छोटी सी ट्रिक से याद कर लोगे तो भूलोगे नहीं आगे कभी भी, ठीक है? सो इस तरीके से आपको समझना चाहिए एंड चीजों को समझ लेना, ग्रैब करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? एंड करते सेशन को, कुछ एक दो और क्वेश्चंस थे, इसको कल करेंगे फिर, और ठीक सवेरे 10 बजे ये क्लास होगी, ठीक है ना? चलिए, ये कुछ हमारे एसएससी सेक्शन के बिल्कुल मूल्यवान एजुकेटर्स हैं, आप इनकी क्लासेस देख सकते हैं अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी एजुकेटर्स के नाम है, सफलता बैच ने शुरू किया है 17 मार्च को, और अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैक का पार्ट बनना चाहते हैं तो आ सकते हैं बाई यूजिंग माई कोड KHEM09। ओके, और अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं तो फिर आप लोग यूज करेंगे क्या, मेरा कोड जो कि है KHEM09 कोड, ठीक है? किस तरीके से, ये सारे एडवांटेजेस हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे। हम टेक्निकल की चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं फॉर दोज स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अफोर्ड द गेट सब्सक्रिप्शन, तो उनके लिए टेक्निकल हम यहाँ पे अफोर्ड करवा रहे हैं इन द एसएससी सेक्शन। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मिल रही है, सारे के सारे कोर्सेज इन द स्ट्रक्चर्ड वे आपको मिल रहे हैं। एंड किस तरीके से आ सकते हैं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, ऐप को इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से इस तरीके से ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, अपना फोन नंबर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद अपना गोल सेलेक्ट करेंगे। ये जो गोल सेलेक्ट करने वाला पार्ट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप JEE लेवल को टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप SSC का सब्सक्रिप्शन लेंगे टेक्निकल के लिए भी, ठीक है? टेक्निकल के लिए कोर्सेज अवेलेबल है SSC सेक्शन में ही, आपको बस सही तरीके से खोजना है, और अगर आपको नहीं मिलते तो फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है? उसके बाद अगर आप हायर लेवल को ट्राई कर रहे हैं तो फिर आप गेट का सब्सक्रिप्शन लेंगे। ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर सेलेक्ट करेंगे कितने महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, एंड उसके बाद यूज करेंगे मेरा कोड जो कि है KHEM09, KHEM09 कोड यूज करने से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% का, एंड आपको मैं गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है? सो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करती रहिए,
अगर कोई इसी तरीके की परेशानी है तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरी प्रोफाइल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां मेरी प्रोफाइल से पे आप जा सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे और मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द एंटायर सेशन। माय नेम इज खेमेंद्र और अब मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, सभी को गुड मॉर्निंग एंड अच्छे से रहिए और किसी को परेशान मत कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।